मध्य प्रदेश में किसान धान की खेती की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस बार 35 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में धान की सोइंग की गई है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 45 लाख टन से ज्यादा धान खरीदने की तैयारियां की हैं। पिछले साल राज्य में सर्वाधिक 37 लाख टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था। वहीं कोशिश ये भी है कि केंद्र सरकार को सेंट्रल पूल में 10 लाख टन से ज्यादा चावल दिया जाए। इस साल अभी तक 4 लाख टन चावल भारतीय खाद्य निगम को दिया जा चुका है। दिसंबर तक 2 लाख टन चावल और दिए जाने की संभावना है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद 29 नवंबर से 1,940 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी। 9 लाख से ज्यादा किसानों ने धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं मध्य प्रदेश में धान के समर्थन मूल्य पर खरीद बढ़ने के साथ धीरे धीरे धान का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। 2019 में 30,76,000 हेक्टेयर में धान बोया गया था, जबकि 2020 में 34,04,000 हेक्टेयर में सोइंग की गई। वहीं वर्ष 2021 में 35 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में धान की खेती की गई है। उत्पादन भी लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। पिछले साल 106 लाख टन से ज्यादा धान हुआ था। इस बार अनुमान है कि 125 लाख टन से ज्यादा धान का उत्पादन होगा। पिछले साल 5,80,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा था। इस बार उम्मीद है कि 9 लाख से ज्यादा किसान समर्थन मूल्य पर धान बेच पाएंगे। इसे देखते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने समर्थन मूल्य पर 45 लाख टन धान बिकने के लिए उपार्जन केंद्रों पर आने का अनुमान लगाया है। केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य भी 72 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1,940 रुपए कर दिया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति के प्रमुख की माने तो इस बार पिछले साल से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उनको उम्मीद है कि धान खरीदने, रखने और मिलिंग की तैयारी अब फिलहाल उनकी तरफ से पूरी हो चुकी है। सरकार ने वही तय किया है कि धान की खरीद के साथ साथ मिलिंग भी होती जाए। इसके लिए तय नीति के तहत जिलेवार मिल संचालकों को धान आवंटित किया जाएगा। दरअसल पिछले साल मिलिंग को लेकर काफी समस्या आई थी। मिलर एक क्विंटल धान के अवज में 67 किलोग्राम चावल देने के लिए तैयार नहीं थे। मिलर एसोसिएशन का कहना था कि धान की क्वालिटी प्रभावित होने की वजह से टूटन अधिक हो रही है, जिससे भारतीय खाद्य निगम की मापदंड के अनुसार 67 किलोग्राम चावल देना संभव नहीं। प्रोत्साहन राशि भी कम है। इसे देखते हुए सरकार ने मिलिंग की नीति में कुछ बदलाव किए हैं और मिलिंग की नीति में बदलाव करके 50 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि के साथ अपग्रेडेशन के लिए 50 से लेकर 200 रुपए प्रति क्विंटल तक अतिरिक्त राशि देने का भी प्रावधान किया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस बार 10 लाख टन चावल सेंट्रल पूल में दिया जाएगा। पिछले साल के धान से चावल बनाकर 4 लाख टन भारतीय खाद्य निगम को दिया जा चुका है। 2 लाख टन और दिसंबर तक देने की फिलहाल तैयारी है। प्रति माह 3 लाख टन धान की मिलिंग होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।